विधायक भाई दिनेश के द्वारा सर आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं जमीन को लेकर के, आपके गांव का जो जमीन है, क्या मामला है? जो हमारे गांव का जमीन का जो मामला है वह मामला बिहार सरकार का है। वह जमीन जो है सिर्फ बिहार सरकार का है। उस जमीन पर हरिनारायण बाबू के समय में एक प्राथमिक स्कूल ढाका क्रम के नाम से सरकार द्वारा स्वीकृत कराया गया था, जिसका शिलान्यास पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने किया था। जब भाई दिनेश जीते उस सिलपट को हटवा दिए और सुरेंद्र सिंह के द्वारा उस सरकारी जमीन पर इन्होंने घर बनवाया, बनाने का काम शुरू कराया। जो आपका अतिक्रमण संख्या और अतिक्रमणवाद संख्या 3/13/12/13 का मामला है। वह जमीन ढाका करम मौजा में पड़ता है। उस समय आप तो विधायक नहीं थे। हम उसमें विधायक नहीं थे। थाना नंबर 172 है, मौजा ढाका करम है, खाता नंबर 121 है, प्लॉट है 620, 621, 622, रकबा 32 डिसमिल, 13 डिसमिल, 4 डिसमिल। ये बिहार सरकार का जमीन है और इस पर इन्होंने अतिक्रमण का काम शुरू किया घर बनवाने के लिए। दिनेश जी ने बनवाया, जिसमें विधायक दिनेश सिंह थे। यही सुरेंद्र सिंह नाम का एक वहाँ व्यक्ति है, महेंद्र सिंह, उससे इन्होंने बनवाने का काम शुरू कराया। जब अंचलाधिकारी को द्वारा अतिक्रमणवाद संख्या चला और नोटिस दिया, उस नोटिस के अगेंस्ट में जो नोटिस का संख्या था 35/17/13, इस नोटिस के अगेंस्ट में सुरेंद्र सिंह ने खुद माननीय उच्च न्यायालय पटना में चला गया, जिसका केस नंबर WCWJC 21847/2013 है, जिसका जजमेंट हुआ है 22/6/2017 को। वह जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, काउंटर एफिडेविट DM ने दिया कोर्ट को कि यह सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर देवकाली देवी, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह अतिक्रमण किए हैं। उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया है। ये जमीन बिहार सरकार का है, जिसमें 3 प्लॉट हमने बोला 620, 621, 622 था, जिसका रकबा 32 डिसमिल, 13 डिसमिल, 4 डिसमिल। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 4 महीना के अंदर में उस जमीन, अंचलाधिकारी जगदीशपुर को उन्होंने निर्देश दिया कि 4 महीना के अंदर में वो जमीन को वैकेट करावे, सरकारी जमीन को। अंचलाधिकारी को उसका नोटिस में जब जजमेंट मिला हाई कोर्ट का, तो उन्होंने जमीन वैकेट कराने का प्रक्रिया अंचलाधिकारी जगदीशपुर ने शुरू किया। हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारी जमीन है, अतिक्रमण हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है और हाई कोर्ट में गए थे सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कलावती देवी, देवकाली देवी, यही तीनों हाई कोर्ट गए थे, कोई दूसरा नहीं गया है। और इन लोग का आदेश यही मिला कि साहब DM को, CO का आदेश दिया माननीय उच्च न्यायालय कि 4 महीना में वो वैकेट करा दीजिए। उसी में अंचलाधिकारी जगदीशपुर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये भाई दिनेश जी चूँकि जान रहे हैं कि उनका टिकट कटा था, हमारी प्रतिद्वंदी है, उन्होंने अब एक नया मुद्दा उठाया है कि लोहिया जी ने, राम विष्णु सिंह उर्फ लोहिया जी विधायक, उनका घर तोड़वा रहे हैं। हमको घर कहाँ से तोड़वाने का सवाल है? वे सरकारी जमीन पर घर बनाया है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार प्रशासन काम कर रहा है, उससे हमको क्यों लेना नहीं देना है? ये भाई दिनेश जो है ये जानबूझ करके हमको चुनाव के समय में पब्लिक में गुमराह करने के लिए इस तरह का उन्होंने बयानबाजी कर रहा है। और हम इस मामला में कहीं नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार वो जमीन खाली करने का, मकान तोड़ने का आदेश हुआ है।